मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये सीख दी है कि झूठ से वो लोग बोलते हैं जो डरते हैं, और मैं खजाना गणेश जी के अलावा किसी से नहीं डरती, और हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हूँ। सच के साथ या सच के खिलाफ? तू चुप रह बेटी, जोरू के गुलाम। अपनी दीदी के पल्लू से बंद के रहने का इतना शौक है ना, जाके रह ले इसके घर। ये जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, हर बार नया कलेश नया नाटक ही हुआ है इस घर के अंदर। मेरी बिचारी बीवी ने हर बार घर जोड़ने की कोशिश करी, और ये तेरी चाट वाली ने हर बार घर तोड़ने की। देविका ने तो इस घर को बचाने के लिए नकली गुनहगार तक पेश कर दिया, और तेरी इस बीवी को भी बचाने के लिए। और इसने क्या किया, मेरी बीवी पे बार बार झूठ थोपा। सच तो यही है ना, और सच तो ये है ना कि असली गुनहगार है ये चाट वाली। भैया मेरी बीवी है, तो बेइज्जती मत करिए उसकी, तमीज से बात करिए प्लीज। बाहर में जा तू और तेरी इज्जत और ये तेरी बीवी। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा है, क्या करेगा, मारेगा? मार मारना। लड़की के साथ रहते रहते ना तेरी इज्जत भी दो कौड़ी की हो गई। अच्छा तो आपकी क्या औकात है, जो एक बेचारी लड़की की औकात लगा रहे हैं उसकी कीमत लगा रहे हैं, क्या औकात है आपकी? भैया कॉलर छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। जो भूलना भूल जा, मेरा हाथ उठ गया ना तो खराब हो जाएगा। अच्छा बहुत बड़ा हो गया तू, आप छोड़िए ना, पापा जी रोकी मैंने, सब पहले कभी नहीं हुआ इस घर पे, छोड़िए छोड़िए आप। मत करिए उसकी, तमीज से बात करिए प्लीज। बाहर में जा तू और तेरी इज्जत और ये तेरी बीवी।